पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें जहां आम जनता की कमर तोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ही तरफ अब सरकारें भी कई राज्यों की, कई प्रदेशों की तैयारी कर रही हैं जनता को राहत पहुंचाने की। एक ऐसी ही कोशिश की है प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जनता तक राहत पहुंचाने की, और उसके लिए तमाम राज्यों के वित्त मंत्रियों को साथ लाकर जो दाम है उसको कम करने की कोशिश शुरू की। आप एक रिपोर्ट देखिए किस तरह तैयारी की जा रही है आप तक राहत पहुंचाने की। देश में पेट्रोल पर मचे हाहाकार के बीच जनता के लिए एक अच्छी खबर है, जानना चाहेंगे क्या? दरअसल आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपकी जेब पर दबाव कम पड़े, क्योंकि अब आपकी सरकार आपके बारे में सोच रही है। चंडीगढ़ में पेट्रोल की बढ़ रही कीमत से जनता को राहत दिलाने के लिए वैट कम करने के लिए मंथन हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा वैट दरें कम करने के बाद हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हिमाचल में भी दरों को कम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। महंगाई की मार से राहत पहुंचाने के लिए हरियाणा के वित्त मंत्री ने एक कदम उठाया और उत्तर भारत के वित्त मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए मंथन किया। और उस बैठक में आज कुछ निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों को मैं आपसे साझा करते हुए कि सभी उत्तर भारत के राज्यों में एक समान दर जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो उपभोक्ताओं को लगे, इसके लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है कि वो एक्सरसाइज करेंगे कि एक हार्मनी अचीव करने की, जो गैप है उस गैप को कम करने की। और उसी कड़ी में आगे बढ़कर के दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया कि हमें इससे और आगे बढ़ना चाहिए, और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, जो लेकर का ट्रेड है, जो जीएसटी आने के बाद डीजल पेट्रोलियम की तरह से आज भी राज्यों के अधीन है, उसकी पॉलिसी में भी एक रूपता होगी। तो इन उत्तर भारत की जो हमारी राज्यों की जो एक कोऑपरेशन की जो हमारी नीति है और कार्य पद्धति है, ये और मजबूत होगी। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में पहुंचे हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के वित्त विभाग और कराधान विभाग के अधिकारियों के बीच चले इस मंथन ने इस बार राहत की पूरी उम्मीद की आशा लोगों के मन में जगा दी है। लेकिन फिलहाल राहत की आस तो है, पर जनता को थोड़ा इंतजार और करना होगा। इकदाम करने पड़े वो करने पड़ेंगे, और अगर हिंदुस्तान कमज़ोर होता है, अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल अगर ये कमज़ोर होते हैं, तो जो देश के दुश्मन हैं उन्हें हमारे पे हंसने का मौका मिल जाता है, और हम ये मौका अपने दुश्मनों को देना नहीं चाहते। सो आज असूलन, जैसे दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली और एफएम हरियाणा ने फरमाया कि एक इस असूल पे तो फैसला हो गया है कि डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एक कंसेंसस या हार्मोनाइजेशन बननी चाहिए। तो एक सब कमेटी अफसरान के नीचे तय कर पाए हैं, और वो अगले 10-15-20 दिनों में बैठ के और कोई ना कोई इसके कोई इस तक कोई मुस्तकिल हल जो है वो निकल पाए। दरअसल पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में तो पेट्रोल के दाम 82.86 रुपए तक पहुंच गए, वहीं डीजल की कीमत 74.12 रुपए प्रति लीटर तक रही। मुंबई में तो ये आंकड़ा पहले ही 90 के पार हो चुका है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमतों में 11 पैसे की बढ़त दर्ज हुई थी, जबकि डीजल में 5 पैसे की वृद्धि हुई। आइए आपको बताते हैं किस तरह काम करेगी ये कमेटी। अधिकारियों की एक सब कमेटी का गठन हुआ है। 15 दिन के अंदर ये कमेटी फॉर्मूला देगी, फॉर्मूला पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने का। कमेटी के इसी फॉर्मूले पर राज्य सहमति से दाम एक समान करेंगे। गौरतलब है वर्तमान में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पेट्रोल पर करीब 27% और डीजल पर 17% की दर से वैट लगाया जाता है। अगर दोनों पर ही रेट 3 से 4% तक घटे तो कीमतें 2 रुपए तक कम हो जाएंगी। फिलहाल महंगाई की मार से जूझ रही जनता को और इंतजार करना होगा, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही अगली बैठक में सरकार वैट दर कम कर जनता को राहत दे पाएगी।
लेकिन पेट्रोल पर बढ़ रही राजनीति में हर दिन इजाफा हो रहा है। राजनीति डेस्क, जनता टीवी।